हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना के बारे में। दोस्तों सरकार ने फिर शुरू की नए सिरे से आवास योजना, इन लोगों को मिलेगा फ्री मकान। जी हां दोस्तों, कौन कौन से लोगों को फ्री मकान मिलेगा और दोस्तों इस बार इस योजना में कितने रुपए मिलेंगे मकान बनाने के लिए और किन लोगों को मिलेंगे, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आपको बिना स्किप किए वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे समय समय पर। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि सरकार ने फिर शुरू की नए सिरे से पीएम आवास योजना, इन लोगों को मिलेगा फ्री मकान। दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों इसी तर्ज पर राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर प्रदेश के बेघर लोगों को अपना घर मुहैया कराने के लिए आवास योजनाएं संचालित कर रही है। दोस्तों इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से एक नई आवास योजना शुरू की गई है दोस्तों, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। दोस्तों ये योजना उन लोगों के लिए बेहद खास है जिनका अपना घर और वो किराए पर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका अब तक घर नहीं है और वह किराए पर रहते हैं, ये योजना उनके लिए बहुत खास है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। दोस्तों इसी तर्ज पर राज्य सरकार इस नई आवास योजना के तहत गरीबा जरूरतमंद लोगों को मकान निर्माण के लिए 100% राशि अपनी ओर से देगी। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीबा जरूरतमंद लोगों को फ्री मकान उपलब्ध कराना होगा दोस्तों, ताकि उनके घर का सपना साकार हो सके और वह पक्के मकान में रह सके। दोस्तों किन लोगों को मिलेगा लाभ, दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 कमरों के मकान के साथ रसोई घर भी मिलेगा। दोस्तों इस योजना के तहत बनाए गए मकान का क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा। योग्य लाभार्थियों के लिए योजना के तहत सहयोग राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही लाभार्थियों को मनरेगा के तहत आवास निर्माण के लिए परिवर्तन मजदूरी दर पर अधिकतम 95% मानव दिवस के बराबर आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मानदेय दिया जाएगा। दोस्तों घर बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करेगी सरकार, दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। दोस्तों इस योजना को आगामी साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों योजना के तहत पात्र परिवारों को 3 कमरों का मकान दिया जाएगा, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। दोस्तों मोटे तौर पर अनुमान है कि इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार को करीब 16,320 करोड़ रुपए का खर्च करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कैसे किया जाएगा मकान का निर्माण, दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख परिवारों को मकान देने का लक्ष्य रखा गया है, इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। दोस्तों योजना का प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023 से और 24 तक होगा। दोस्तों इसके तहत 2 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों योजना का दूसरा चरण वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में शुरू होगा, इसके तहत 3,50,000 मकानों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों वही योजना का अंतिम व तीसरा चरण वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में शुरू होगा, दोस्तों जिसके तहत 2,50,000 मकानों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ, इस योजना के तहत राज्य के गरीब व जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में अब तक उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों को इस योजना के दायरे में लाया गया है, ताकि उन्हें मकान मिल सके। इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार, आवास विहीन व निरक्षित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति परिवारों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुओं व मजदूरों को पक्का मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपका घर कच्चा है या टूटा फूटा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपका घर कैसा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।